बैरेट सीसो वेगस क्या होता है, ये फाइनल ईयर एमबीबीएस का 3 नंबर का क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं। वैसे क्वेश्चन मेरे पास आया था एक बार पेपर में कि ये बताओ कि एंडोस्कोपिक सर्जरी कहाँ कहाँ पे होती है, उसके यूजेस बताओ। तो मैंने 6-7 लिखे थे, जितना इसे वेगस के चैप्टर पढ़ा तो वो सारे पॉइंट्स लिख दिए थे हर एक टॉपिक का, क्योंकि हर एक में एंडोस्कोपी तो हो ही रही थी, तो उसमें एक बैरेट सीसो वेगस भी लिखा। तो ये क्वेश्चन तो डिफरेंट वे में आ सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी knowledgeable, understandable towards the topic, then only you will able to write. It is the metaplastic change in the mucosa of the esophagus as a result of gastroesophageal reflux disease. Squamous epithelium of the lower end of the esophagus is replaced by the diseased columnar epithelium. Columnar epithelium is replaced by squamous epithelium. Macroscopic visible length है columnar mucosa की, और microscopic features हैं of intestinal metaplasia. It commonly affects lower esophagus but often middle esophagus also. There is proximally displaced squamocolumnar junction on the endoscopy with acid mucin containing goblet cells that is specialized intestinal metaplasia. There is presence of columnar epithelium lined esophagus with intestinal metaplasia on histology. Columnar epithelium should be visible endoscopically, minimum of 1 cm length above gastroesophageal junction to diagnose as Barrett's esophagus. अपर एंड ऑफ इसोफेगस गैस्ट्रिक फोल्ड इज मोस्ट सुटेबल लैंडमार्क. फिर उन्होंने बोला डायग्नोसिस ऑफ बैरेट्स इसोफेगस करने के लिए एंडोस्कोपिक एविडेंस ऑफ साल्बन पिंक कलर्ड कॉलमिनर एपिथीलियम एक्सटेंडिंग अबव द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पार्शली रिप्लेसिंग द नॉर्मल ट्यूबुलर इसोफेजियल स्क्वैमस एपिथीलियम. बायोप्सी करेंगे फ्रॉम द इसोफेगल कॉलमिनर एपिथीलियम विच विल शो द एविडेंस ऑफ द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया विद द प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिन कंटेनिंग गॉबलेट सेल्स. एंडोस्कोपी करोगे एसोफेगस की और बायोप्सी करोगे इंटेस्टाइन की. एंडोस्कोपी में आपको मिलेगा साल्मन पिंक कलर कॉलोनर एपिथीलियम का, और बायोप्सी में आपको क्या मिलेंगे गॉबलेट सेल्स मिलेंगे. लेंथ के बेसिस पे दो तरह का होता है, लॉन्ग सेगमेंट बैरेट्स इसोफेगस और शॉर्ट सेगमेंट बैरेट्स इसोफेगस. लॉन्ग सेगमेंट की लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और शॉर्ट सेगमेंट की लेंथ 3 सेंटीमीटर से कम है. हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आ जाते हैं बैरेट्स इसोफेगस के, जिसमें आते हैं गैस्ट्रिक टाइप आ जाते हैं जिसमें चीफ सेल्स और पेराइटल सेल्स दिखते हैं. इंटेस्टाइनल टाइप आ जाते हैं जिसमें गॉबलेट सेल्स दिखते हैं. जंक्शन टाइप आ जाते हैं जिसमें म्यूकस ग्लैंड दिखते हैं. एंड पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज कार्डिया कार्डिया मेटाप्लेजिया इज द मेटाप्लेजिया एट द इसोफेजियल गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन विदाउट एनी माइक्रोस्कोपिक चेंज इन द गैस्ट्रोस्कोपी. जो डिजीज कॉलमिनर एपिथीलियम है दैट इज मोर प्रोन टू द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन वेयर देर इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया रिस्क ऑफ द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेस 40 times मोर देन द जनरल पॉपुलेशन. मोर द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेजिया मोर इज द रिस्क ऑफ द मेलिग्नेंट डिस्प्लेजिया मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. डिस्प्लेजिया मे बी इंडिफिनेट लो ग्रेड और हाई ग्रेड. तो ये एक लॉ है, एक रूल है यहाँ पर कि अगर डिस्प्लेजिया जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा मेलिग्नेंसी की हो सकती है. और डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि जो इमेच्योर सेल टाइप है उसका अमाउंट बढ़ गया. फीचर्स क्या होते हैं बैरेट्स इसोफेगस के, जीआरडी के फीचर्स होते हैं, हेमाटेमेसिस होता है, डिस्प्लेजिया होते हैं, कॉमन होते हैं मेल्स में, वाइट्स में. प्राग इंडोस्कोपिक क्राइटेरिया होते हैं जिसमें 3 चीज़ें होती है, एक होता है सी, एक होता है एम, एक होता है एल. सी का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, एम का मतलब होता है लेंथ मैक्सिमम एक्सटेंट सॉरी, और एल का मतलब होता है जंक्शन लेंथ. कि सर्कमफेरेंशियल एक्सटेंट देखा जाता है कॉलमिनर मेटाप्लेजिया का, मैक्सिमम लेंथ देखी जाती है कॉलमिनर मेटाप्लेजिया की, और गैस्ट्रोइसोफेगियल जंक्शनल लेंथ देखी जाती है. टारगेटेड बायोप्सी ऑफ विजिबल रीजंस देन रैंडम बायोप्सी प्रॉक्सिमली एट 4 quarters आर डन. बैरेट्स इसोफेगस अगर मोर देन 3 centimeter है इट नीड्स रिपीट एंडोस्कोपिक रेगुलरली. कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बैरेट्स इसोफेगस की, अल्सरेशन स्ट्रक्चर डिस्फेजिया ब्लीडिंग परफोरेशन एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन. अब आ जाता है मैनेजमेंट, जिसमें आ जाता है कि रेगुलर एंडोस्कोपिक बायोप्सी करो एंड सर्वेलेंस करो फॉर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया. एब्लेशन ऑफ द बैरेट्स इसोफेगस बाय लेजर या फिर रेडियोथेरेपी. फोटोडायनेमिक थेरेपी करो थ्रू इंडोस्कोपी. आर्गोन बीम कोगुलेशन करो. प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज करो हाई डोज फॉर 3 to 6 months. एंटी रिफ्लेक्स ट्रीटमेंट करो बाय सर्जरी. रिसेक्शन कर दो विच इज ऑलवेज बेटर चॉइस फॉर हाई डिस्प्लेजिया. ट्रांस हाइटल इसोफेगोटोमी इज प्रेफर्ड. एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन इज ऑल्सो गुड. तो क्या करो बायोप्सी करो, एब्लेशन कर दो बैरेट्स इसोफेगस का लेजर या फिर रेडियोथेरेपी से. फोटोडायनेमिक थेरेपी करो थ्रू इंडोस्कोपी. आर्गन बीम कोगुलेशन करो. प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स करो. एंटी रिफ्लक्स ट्रीटमेंट करो बाय सर्जरी. सेक्शन करो, इसोफेगोटोमी करो. एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन इज ऑल्सो गुड. एंड दैट इज ऑल अबाउट बैरेट्स इसोफेगस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.